है कि आप इस मंत्र को 10 बार 12 बार जल पे बोल करके बाबा का स्मरण करके किसी बीमारी हारी वाले को, तकलीफ वाले को पिलाइए, तुरंत राहत मिले। बोलिए ओम ओम देवराय देवराय दिगंबराय दिगंबराय मंचासीनाय मंचासीनाय नमो नमः नमो नमः। इस मंत्र का प्रभाव इतना है कि आप इस मंत्र को 10 बार 12 बार जल पे बोल करके बाबा का स्मरण करके किसी बीमारी हारी वाले को, तकलीफ वाले को पिलाइए, तुरंत राहत मिल जाता है। बाबा ने वचन दिया कि बच्चा जो इस मंत्र को बोल करके मुझे स्मरण करेगा तत्काल मैं उसका सहयोग करूंगा। तो वृथा न जाही देव ऋषि वाणी, उनकी वाणी सफल हो रही है। यहां ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हजारों के तादाद में बाबा के भक्त हैं और वहां भी बाबा के मंत्र खूब गायन हो रहा है, लोग खूब जप करते हैं। इस मंत्र का एक मैं घटना बताता हूं आपको। रशिया में करीब करीब 88-90 हजार बाबा के कृपा पात्र हैं, शिष्य हैं वहां, और इस सब के सब परम वैष्णव हैं। कौन सा वैष्णव? परम वैष्णव। ऐसे वैष्णव हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब हर चीज में हाथ धोना, भोजन प्रसाद बनाते समय, परोसते समय कभी बोलेंगे नहीं, मैं जाता हूं, रसिया जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, इंग्लैंड जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, कई देशों में भ्रमण किया। करीब करीब 94 देश का भ्रमण किया हूँ मैं, 94-95, अब तो गिनती भी नहीं होगी पीछे किया था। और भ्रमण करके बहुत सारे लोगों को श्री वैष्णव बनाया। रशिया में ही एक डॉक्टर हैं, उसका नाम हमने कर्णदास रखा है। कर्णदास बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो वहां पे बर्फ बहुत पड़ता है, -40, -45, -30 सर्दी काल में, इतना तो नॉर्मल होता है वहां पे। शीत काल था, उसके पिताजी शहर से बाहर गांव में रहते थे, करीब 20-22 किलोमीटर दूर पे। जैसे हम लोग यहाँ फार्म हाउस बनाते हैं ना, ऐसे ही वहां के लोग शहर से बाहर फार्म हाउस बनाते हैं। उसके पिताजी वहां रहते थे, वो हृदय के रोगी थे। तो करणदास ने बताया कि उसके पिताजी ने संध्या के समय फोन किया कि मुझे अपने हृदय में, हार्ट में कुछ तकलीफ महसूस हो रहा है, शायद मैं बचूं नहीं, अगर समय से पहुंच जाओगे तो शायद मिल जाए, नहीं तो राधे राधे।
अब करण हॉस्पिटल से निकला और गाड़ी लिया और पहुंचने लगे। तो विंटर के समय में 5 बजे वहां अंधेरा हो जाता है और 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर बर्फ में गाड़ी लेके जाना। पहुंचा वहां पे, देखा तो उसने बताया कि मैंने पिताजी को देखा, शरीर नीला पड़ा हुआ था, सांस ऐसे अंतिम सांस लेते हैं ऐसे। अब उसने दवाई वाई प्रेशर उसर दिया, समझ में नहीं आया, बैठ गया वहीं और बैठ करके ओम देव रहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम देव रहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। मन में भाव लेकर के बाबा हेल्प करिए, मेरे पिता को बचाइए बचाइए ऐसे करके मंत्र जप करने लगा। उसने बताया कि पता नहीं कैसे जिस कमरे में हमारे फादर थे सारी खिड़की अपने आप खुल गई और इतनी ठंडी हवा प्रवेश किया कमरे में। उसके पिताजी बोलते हैं, अरे तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया है, इतनी विंटर में कितनी मुश्किल से कमरे को गर्म किया जाता है, तुमने खिड़की खोल दिया। तो उसने देखा खिड़की खुला हुआ है, उसने बोला मैंने नहीं खोला। बोला फिर किसने खोला? उसने बोला मुझे नहीं पता किसने खोला। उसको समझ लग गई बाद में कि ये खिड़की किसने खोला है, बाबा ने खोला। और उसने अपने पिता को बोला आप ठीक हैं? बोले हाँ ठीक है, तभी तो बोल रहे हैं। तो ऐसे कृपा होती है।